सनसेरा इंजीनियरिंग ये है कंपनी, अगले हफ्ते इसका आईपीओ खुलने जा रहा है। 1981 में इस कंपनी की शुरुआत हुई बेंगलुरु कर्नाटका से। इंजीनियरिंग लेड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है ये, कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रिसीजन बनाने का कारोबार करती है कंपनी और टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स में इनका शुमार होता है। यानी कि कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर है और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, कनेक्टिंग रॉड्स, रोकर आर्म्स वगैरह, ये जो पैसेंजर व्हीकल्स में काम आते हैं, इनके ओईएम्स जो इक्विपमेंट्स बनाने में जो काम आती है, इसकी ये कंपनी लार्जेस्ट सप्लायर है। आइए हमारे साथ जो खास मेहमान आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वो है बीआर प्रीतम साहब, ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ग्रुप सीईओ है इस कंपनी के, जो कंपनी के साथ लंबे समय से 1992 से, क्या बात है, 92 वो यानी 30 साल से कंपनी के साथ हैं और कंपनी के सारे कामकाज की देखरेख और इनकी सारी सब्सिडीज की देखरेख का जिम्मा प्रीतम साहब के पास ही है। बैचलर्स डिग्री लिए आपने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में, 28 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आप रखते हैं। प्रीतम साहब स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को वक्त देने के लिए। जो मैं देख रहा था आपके आईपीओ में शायद पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, 1283 करोड़ का, कोई भी पैसा कंपनी में नहीं जा रहा है, सिर्फ ऑफर फॉर सेल है सर? यदि हाँ तो कौन है इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स जो बेच रहे हैं और उसकी वजह बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यस, दिस इज अ प्योर ऑफर फॉर सेल। Our investors are TRG, who have been invested in Sansera since 2013. So they are selling about 25%, which is less than 50% of their holding. And promoters are selling a small amount, which is about 7%. So post the issue, promoters will still hold 36% in the company. As the company is quite capable of generating healthy cash flow, we are not taking any money into the company. ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, मैं आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ, इनकेस आपको मुश्किल लगे और आपको लगे तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपसे पूछ लूंगा, अगर आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। कंपनी की ग्रोथ के बारे में बताएं, पैंडेमिक के बावजूद पिछला साल आपकी कंपनी के लिए अच्छा रहा, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन वगैरह सब इम्प्रूव होकर आए हैं। अगली 3 साल के डेटा मेरे पास में है, अगर 5 साल का मैं आपसे पिछले डेटा पूछूं, किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ रही है, किस तरह की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, मार्जिन्स कैसे रहे, जरा अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताएं सर। यस, वी हैव बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग इन द लास्ट 5 इयर्स। रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय अ कैगर ऑफ 11.7%, एबिटा हैज ग्रोन बाय अ कैगर ऑफ 13.1% and PAT has grown by a CAGR of 10.2%. This is against the industry where the passenger vehicle industry has degrown by 2.3% and two-wheeler industry has degrown by 0.5%. Similarly, on an 8-year horizon, our revenue has grown by 14%, EBITDA by 14.7% and PAT by a CAGR of 20.5%, while the industry has grown, passenger vehicle industry has degrown by 0.7% and the two-wheeler industry has only grown by 2.7%. So it's always been, we have outperformed the industry. This has been our strength. Okay. ये आपके पास परफॉर्मेंस है। अच्छा सर, कंपनी में मैं जो देख रहा था, मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 21 के जो डेटा है उसके हिसाब से डेट है आपका 31 मार्च को, थोड़े पुराने हो गए डेटा मेरे पास 31 मार्च के, 548 करोड़, 550 करोड़ रुपए, डेट इक्विटी रेशियो आपका 0.61 पर आता है। आप नया थोड़ा इशू लाकर इक्विटी रेज करके डेट कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, तो डेट रिडक्शन को लेकर आपका क्या प्लान है, कब तक आपकी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, कुछ ऐसा प्लान है तो बताएं सर। अनिल जी, वी आर अ ग्रोइंग कंपनी, वी हैव गॉट अग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स, वी हैव आल्सो बीन यू नो रीपेइंग आवर डेट टू एन एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 100 करोड़ पर ईयर, बट सिंस वी आर आल्सो ग्रोइंग वी आर आल्सो री इन्वेस्टिंग एज द डेट दैट वी कैन एंड ऑल आवर एक्सपेंशन प्लान्स आर इज गोइंग टू बी fully, almost fully funded by our internal accruals. And if it is a shortfall, we can always take the debt. Debt is always cheaper than the equity. So we have been working on that concept. Okay, ठीक है। एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका 88% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है,
थोड़ा वहां पर अभी आजकल माहौल उतना अच्छा नहीं है, कई सारे चैलेंजेस है इंडस्ट्री के, तो क्या आप कुछ डाइवर्सिफिकेशन करने के बारे में सोचे हैं या फिर वही फोकस रहेगा, इसके बारे में बताएं सर। हाँ सर, फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव फोकस्ड ऑन डाइवर्सिफाइंग बोथ इनटू नॉन ऑटोमोटिव एज वेल एज टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक कंपोनेंट्स। एज यू कैन सी अबाउट 88% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम ऑटोमोटिव एंड अबाउट 12% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम नॉन ऑटोमोटिव। बट इन द इफ यू ऑल्सो सी आर RHP, where we have said about 160 new purchase orders or LOIs has been placed on us by various customers, almost 45% of this is coming from non-automotive segment. So hamara futuristic order book would be much aggressive growth in the non-automotive sectors and technology agnostic components. परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने आईपीओ से अपनी कंपनी से के बारे में बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स मिले, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नई पारी की शुरुआत कैपिटल मार्केट्स में करने जा रहे हैं, आपकी कंपनी को आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।